ये गणेश जी, आपकी मशीन पूरी तरह से रेडी है और मैं इसका वीडियो बनाने जा रहा हूँ आपको भेजने के लिए। कुछ चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे ये मीटर जो आप देख रहे हैं, ये साइज सेट करने का मीटर है। इसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से MM सेट कर सकते हो। ये तीनों फेस के लिए है, ये शो करता है कि कोई फेस मिसिंग तो नहीं है। ये साइड में वोल्टेज मीटर है जो बताता है कि इस समय मशीन को कितना वोल्टेज आ रहा है। और ये पहला ऑन ऑफ रिवर्स फॉरवर्ड है रोल मूवमेंट के लिए, इससे रोल घूमता है। ये वाला ब्लेड मूवमेंट है ब्लेड ऑन और ऑफ के लिए। ये ब्लेड की शार्पनेस है ब्लेड में धार लगाने के लिए। और अब हम आपको डेमो देने जा रहे हैं कैसे आपको मशीन को ऑपरेट करना है, पहले स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक। इस तरह का नॉन वन का रोल होता है। ये इसका कोर साइज है 75 mm। ये मशीन की रोड है जो इस रोले के अंदर डालनी है और उसके बाद इसको हम मशीन के ऊपर फिट करेंगे। योगेश जी, जो इसका छोटा पॉइंट है, ये इस तरह से रोल के अंदर डालना होता है। डालो, ये अब रोड डल चुकी है। रोड को हम इस तरह से लगा चुके हैं। इस चक में हमें रोल को फिट करना होता है। इस चक में दोनों फंक्शन है, गत्ते को भी पकड़ सकते हैं और हम रोल को भी पकड़ सकते हैं। योगेश जी, रोड को रोल के साथ लगाने जा रहे हैं। ये इस तरह से इस पिन में लगानी होती है। ये ऑपरेटर ने ये रोड को लगा दिया। इसके अंदर पूरी तरह से बैठना होता है। ये बैठ चुकी है। वे योगेश जी, इस तरह से ये रोल, अब देखिए रोल को पुश करेगा। ये इस प्लेट से टच कर दिया। ये देखिए वन बाय वन इस तरह से, ये तीन पॉइंट है, इसको लॉक कर देना है। ये रोल पूरी तरह से फिट हो चुका है क्योंकि इसमें कोर नहीं है, इसकी वजह से इसको हमें बाहर से टाइट करना पड़ रहा है। ये मशीन का ऑन और ऑफ स्विच है। ये देखिए मशीन ऑन हो गई और इस समय हमने यहाँ पे 25 mm सेट किया है और इसकी सेटिंग इस तरह से है। इस ये जो सेट है इसको दबा के हम रखेंगे और जो भी इस कजर से इसको हम शिफ्ट करेंगे, जो भी हमें वैल्यू सेट करनी है, जैसे अभी हमने 25 रखा है, 25 को ओके है, इसको हम इंटर कर रहे हैं और ये इंटर हो गया। इससे तो टोटल वैल्यू 25 mm, यानी एक इंच की पट्टी हमारी इजीली कट जाएगी। और अब हम रोल मोमेंट को चलाने जा रहे हैं। ये रोल मोमेंट है। ये देखिए ये रोल मोमेंट होने लगा और ये हमारा ब्लेड मोमेंट है। ये ब्लेड चलने लगा। ये शार्पनिंग का है, इसको हमने साफ कर दिया। योगेश जी, ये जो साइड के लिए कप लगा हुआ है, जो साइड में धार पड़ती है उसको साफ करने के लिए, और इस तरफ ये जो मोटर है, ये धार लगाने की मोटर है। ये ब्लेड में जब धार लगानी हो तो हम इसको लगा सकते हैं, ऑटोमेटिक फंक्शन। ये देखे हुए थे, ये 25 mm का रोल हमने काटा है जो हमारा परफेक्टली कट गया था। ये इस तरह से है, ये देखिए रोल घूम रहा है। ये हमारा बैड लॉक हो गया है, इसको हम 25 mm दोबारा से इसको मूव करना है और ये स्विच हमारा रीसेट का है। काट कटने के बाद इसको रीसेट मार के दोबारा से हमें कटिंग करना होता है।
रोल हमने लगा रखा है, नॉन वन का है, परफेक्टली 25 mm साइज सेट किया था, पूरा साइज प्रॉपर आ रहा है। केमिकल है जो ब्लेड पे लगाना होता है, इसको लगा के काटने से क्वालिटी बहुत अच्छी आती है।